अपने मेन प्लेयर अपने IGL अपने एक्सपीरियंस प्लेयर म्यूज को गवा चुके हैं। उसके बाद ब्लेजी 2K को भी यहां पे नॉक कर दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली एक और ग्रेनेड आता है जो इनिशिएटिव एकेडमी इनिशिएटिव ईस्पोर्ट्स के एक और प्लेयर को नॉक कर देगा। आखिरी खिलाड़ी उम्मीद रहेगी एक क्लच की, जैसा मसाला हमारे यिपी नूडल्स में है वैसा मसाला अगर यहाँ पर हमें इनिशिएटिव ईस्पोर्ट्स के इस पर्टिकुलर प्लेयर ने दिखा दिया तो जबरदस्त मजा आने वाला है। बट शायद वो मसाला अभी आपको सिर्फ नूडल्स में मिलेगा क्योंकि ये फाइट तो उतनी मसालेदार नहीं रही। चीजें बेहतर यहाँ पे कर से कर प्रोन होके आगे जा रहे ताकि हल्का सा भी वो एंगल अपोनेंट को ना मिले, और अभी यहाँ पे अभी नॉक होंगे, कोई मौका नहीं मिला यहाँ पे अभी को, क्योंकि जिस तरीके से अपने खिलाड़ियों की तरफ वो देख रहे थे उनको एग्जैक्टली थोड़ा सा पीछे भी देखना चाहिए। दिखाना पड़ेगा जो बिल्कुल भी आसान होगा नहीं। अब उनके पास ये छोटा सा एरिया बन जाता है, शॉट उनको कर गया, शॉट देने की कोशिश, पियर बाबा आराम से अपने अपोनेंट को फिनिश करेंगे और टीम रेकनिंग शानदार तरीके से अपने अपोनेंट का विनाश करती हुई निकल पड़ आगे जाते हैं। अपने फुटस्टेप की जो आवाज है वो दे दी गई है, लेब्रन जोन के बाहर से फाइट लेना चाहते हैं, ये भी एक काफी अच्छी टेक्निक होगी। बट नेक्सस आगे जाते हैं, नॉक करने की कोशिश यहां पे करी जाएगी, स्पॉट उन्होंने मेरे ख्याल से ओमेगा को भी कर लेना चाहिए था, लेकिन दक्ष की तरफ से जो कवर आएगा वो काफी अच्छा देखने को मिला। गए जरूर है ओमेगा को नॉक करने की चाहत में, ओमेगा तो नॉक होंगे लेकिन वो खुद भी नॉक हो जाएंगे और जोन के बाहर की ये फाइट अभी के लिए जॉर्डन के खाते में जा सकती है। एम्ब्रॉन को ये 1v2 करना ही होगा, M249 है रिलोड का तो उनका कोई चांस बनता नहीं है। बट आपने जो चीज मेंशन करी कि एक एक्स्ट्रा एक्ट निकलेंगे वो स्प्रेस पड़ेंगे, अगर आप नहीं निकलेंगे तो हाइट एडवांटेजेस सीरियस से आपको स्पॉट किया जा सकता है और ये चीजें दिक्कत भरी होंगी। बट वहीं पे बात करेंगे आमने सामने जो दो खिलाड़ी आएंगे उनके लिए दिक्कतें, और सीएस तो उल्टा यहाँ पे और वैल्यू निकाल के जा रही है। देवर जस्ट वेटिंग, वन साइड स्मोक किया यहाँ पे, एक पूरा का पूरा वन वे स्मोक करके पास बनाया, पहले एक फाइट कमिट की उसके बाद आप दूसरी पार्टी फोकस करेंगे। इट्स अ 3v3 बैटल, इट्स अ बैटल ऑफ ग्रेनेड्स, लेट्स जस्ट सी ओपनिंग कौन निकालता है। बिल्कुल करीब में आके पड़ा है वो ग्रेनेड की रीतों के, दो फिनिशेस इनके पास है। लियो का वो ग्रेनेड काफी अच्छा था, हार्ड कंपाउंड नहीं है, हार्ड कवर यहां पर नहीं है, मौली पेड़ के पीछे आनी चाहिए थी, बाल-बाल बच गए उस मौली के डैमेज से। जी हां जरूर, लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे तो सीएस के प्लेयर्स वो भी आपको आगे बढ़ते दिख रहे हैं। लुक एट द स्प्रेड, एक एक खिलाड़ी एक दूसरे के सामने, वो मैच द फॉलिंग होता है ना, एकदम वैसा बन चुका है यहाँ पे एक दूसरे के सामने। लेकिन देखना यह है कि करने क्या वाले हैं, पहला नॉकआउट का आएगा, बिकॉज दैट नॉकआउट वुड बी एन ओपनिंग, वुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ग्रैब इट। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सी वो टीम होगी जो कि पहले वो ओपनिंग बनाती दिख सकती है। अभी के लिए बात करेंगे अपराध को, धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ते दिख रहे, स्किल्स इज ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड, बट द क्वेश्चन इज क्या नॉकआउट आ पाएगा। वेन यू आर मूविंग तो आप उस एनिमेशन के अंदर फंसते हैं जहां पे आपको स्पॉट करना आसान होता है, अगर ये चीज होती है सीएसके प्लेयर्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा। बट एक छोटा सा नुकसान, लाइक इससे छोटा नुकसान क्या ही होगा, वॉकआउट्स के दो प्लेयर्स, एक को 14 मीटर जोन में जाना है, एक को 4 मीटर जोन में जाना है, तो ये 4-3-3-2-2 मीटर से इन्हें पेड़ का कवर छोड़ना पड़ रहा है और ये सच में डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगा। देखिए वो 4 मीटर के चक्कर में अपराध को खड़ा होना पड़ गया एंड उसी के चलते उन्हें नॉक भी कर दिया जाएगा। इट्स 3v2 फ्री फायर जोन पॉइंट, किरीटो गोस डाउन एज वेल, लियो इज डूइंग वंडर्स फॉर हिज टीम, स्किल्स माइट गो डाउन एंड दिस इज अ चिकन डिनर फॉर टीम CS, back to back good matches. Mira Marmo's decent enough with 12 points, but for now, Kirby is moving forward. क्या यहाँ पे fight चला दोगे? He is having a micro Uzi in the hand, और ये micro Uzi बहुत deadly weapon हो जाता है close range में। चलिए, उस nade की trajectory के साथ previous और हो जाएगी position, but rocks. Being the smart guy, पहले एक nade किया, splash damage दिया, आगे बढ़ेंगे, सीर भी को टी डाउन करेंगे, but rocks अगर इतना ज़्यादा open घूमेंगे तो दूसरी तरफ से यहाँ पे space पड़ सकती है, हल्का पीछे रहना पड़ेगा। Austin Bodex is cooking a good grenade. क्या ये grenade एक value निकालेगा? Rocks के पास भी nade आएगी, बराबर दोनों ही तरफ से Austin भी हल्का पीछे रहेंगे, but rocks को ज्यादा कोई खास फर्क पड़ा नहीं, डैमेज तो मिली नहीं है क्योंकि, बट वो क्लोज इन कर चुके और इसका फायदा उठाएंगे, ऑस्टिन को भी डाउन कर चुके, एक के बाद एक लगातार दो खिलाड़ी डाउन, बट अब डेड उनके तरफ से क्लाउन ही डाउन हो चुके हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और फाइट चल रही है। देखिए रॉक्स हमेशा अपने यू नो IQ गेम के लेके जाने जाते हैं और वो उन्होंने दोबारा करके दिखाया, जिस तरह से उन्होंने दो प्लेस को यहाँ पे हैंडल करा वो बहुत ही शानदार तरीका था। जाएंगी सर्कल के अंदर, एंटर करेंगे, इजी टारगेट बनेंगे, इजी स्पेस जाएंगे और इलेक्ट्रॉन सर्कल के बाहर ही फिनिश जाएंगे, और अब यहाँ पे कुछ बढ़िया स्पेस चलेंगे आखिरी उस खिलाड़ी को डाउन करने के लिए जो कि आपको सर्कल के अंदर आता दिख रहा है। लीजिए क्लियर डाउन और दोनों ही टीमों के प्लेयर्स सर्कल के बाहर हिल बैटल कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट हिट्स पहले खत्म होंगे वो हारता दिखेगा। पहले मैं देखना चाहूंगा सेकंड कौन आता है, सिको गेमर के पास अभी कोई फर्स्ट हिट नहीं है, सेकंड को लेके जा सकते
सेकंड पोजीशन वो लेके जाएंगे, बट वो फिनिश निकालना चाहिए था सीखो गेमर, व्हाट हैव यू डन देयर। सेकंड पोजीशन के साथ इस मैच को वो खत्म करेंगे, बट मित्रा ईस्पोर्ट्स जोन का पूरा पूरा एडवांटेज और एक शानदार विना विना चिकन डिनर उनके पास जाता हुआ। उनके पास एक चीज का बेहतर कंट्रोल रहने वाले कि अपने नीचे से किसी को आते हुए देखेंगे बड़े आराम से टेक डाउन कर सकते हैं, बट एक बेहतर स्थान पर रहना आपके लिए बेहतर होगा। वही हम ये करते हुए देखने को मिले M16 का ये टैप शॉट यहाँ पे कनेक्शन ढूंढ लेता है, ये थोड़ा सरप्राइज था मेरे लिए, बट स्टिल वो जो स्लैम है वो 3-2 का हमें फाइट देखने को मिलेगा। दो खिलाड़ी हैं इस अवस्था पे और तीन खिलाड़ी INS की तरफ से ऑलरेडी आप स्लैम कर चुके हैं, ग्रेनेड यहाँ पे ब्लू टॉस की जा रही है जिसका डैमेज यहाँ पे मिलेगा। और इस पूरे फाइट में INS का कंट्रोल मैं देख रहा हूँ कि वो धीरे धीरे गवाते चले जा रहे हैं, क्रिस्टल को वहाँ पे डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। और अब सेल्स की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पे INS को जरूर से एलिमिनेट करने की कोशिश की जा सकती है। एब्सोल्युटली एलिमिनेट करने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्लच गॉड की तरफ से एक नेड आएगा जिनको इसका फायदा हो सकता है, बट रिकॉर्ड ब्रेक को नॉक कर दे क्लच गॉड, पूरा का पूरा गेम उन्होंने चेंज कर दिया। क्लच गॉड इज जस्ट रिपिंग थिंग्स अपार्ट टुडे, बट अब रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू करेंगे। एक बहुत ही आप यूज कर सकते हैं जरा इस क्लिप को आप वापस देंगे, बट यहाँ भी मिस्टर आईजीएल पारी खेलने की पूरी कोशिश में लगे हुए एम्फो के साथ बात करते हैं। यहाँ पे नॉक किया गया, फिनिश करेंगे वहाँ पे आसिफ डॉट एक्सपो, और ये जो एक एंगल है बहुत ही कमाल का एंगल, शॉट ले सकते हैं, डैमेज दे सकते हैं, तीसरे खिलाड़ी को भी नॉक कर देंगे, एक एक करके नॉक करते चले तो जा रहे थे, लेकिन टेड आएंगे और मिस्टर आईजीएल को वहाँ पे नॉक करके बाहर का रास्ता दिखाएंगे।